इस क्षेत्र में, इस ग्राम में प्रज्ञा प्राण इत्यादि का पाठ होता रहा है, गायत्री का पाठ नित्य चलता रहता है, आप सबकी बुद्धि जागृति विवेक माँ भगवती गायत्री मंत्र के पाठ से और भी शुद्ध और निर्मल पवित्र होती रहती है। इसीलिए आप सबको श्रीमद् भागवत कथा की सानिध्य प्राप्त हुई है। जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, तो श्री कृष्ण की कथा हमें श्रवण के लिए प्राप्त होती है। साक्षात हम उनकी सानिध्य में, उनकी गोद में बैठकर के कथा सुन रहे हैं। यही समझिए कि साक्षात भगवान की गोद में बैठकर के हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन रहे हैं, जिसमें द्वादश स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। उन 12 स्कंदों में भगवान के अवतारों की कथा, भक्तों की कथा, भक्ति की कथा, ज्ञान वैराग्य की कथा, जीवन जीने की कथा, जन्म मृत्यु की कथा, और जन्म मृत्यु के साथ साथ बीच के जीवन को संवारने की कथा, जन्म से पूर्व की भी कथा और जन्म के पश्चात की भी कथा है। माने आदि और अंत, और आदि अंत के परे उस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा की ये कथा है, भगवान श्री कृष्ण की ये कथा है, भक्तों की लीलाओं की ये कथा है, और भगवान के अनन्य अवतारों की कथा है कि किस किस रूप में कैसे कैसे भगवान ने आकर के अपने भक्तों की रक्षा की है और दुष्टों का दमन किया है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में, 24 अवतारों का वर्णन यहाँ कथा के द्वारा हम सब श्रवण करते हैं। श्री ठाकुर जी भिन्न भिन्न रूप में आते हैं, कभी मत्स्य अवतार धारण करते हैं, कभी 12 अवतार धारण करते हैं, कभी कक्षप अवतार धारण करते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, नारायण हरि अलग अलग रूपों में राम कृष्ण बन करके आते हैं। और वही नारायण है जो आपके मन में संकल्प बनकर बैठा, यहाँ इस क्षेत्र की मात्र शक्ति के मन में पवित्र भाव बनकर, संकल्प बनकर बैठा, जिसका परिणाम आज श्रीमद् भागवत कथा आप सबके बीच में है। यहाँ की माताओं को मैं बार बार नमन करती हूँ, उन्होंने उत्साह दिखाया, हौसला दिखाया, उमंग दिखाई और कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ भी होनी चाहिए, ये कथा यहाँ भी बरसनी चाहिए, ये अमृत इस क्षेत्र वासियों को भी मिलना चाहिए, ठाकुर जी की लीलाएं यहाँ भी होनी चाहिए और भगवान श्याम सुंदर की मीठी बांसुरी की तान यहाँ भी बजनी चाहिए, यहाँ भी छेड़नी चाहिए वो तान जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में बजाई थी। और माताओं के मन में जब भाव प्रकट हुआ तो धन्य है हमारे क्षेत्र के सभी भाई बंधु वृंद, जिन्होंने मातृशक्ति को कहा कि आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलते हैं, और जो भी सेवा हमें मिलेगी वो श्री ठाकुर जी की सेवा में हम तैयार हो जाते हैं। और जब सब मिलजुल करके, संगठित होकर के, एकाग्र होकर के जब कथा को आयोजन करते हैं, कथा में सेवा समझ करके अपनी आहुति देते हैं तन मन धन से, तो देखिए फिर कैसा आनंद बरसता है। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी आए थे माताओं अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के पास, के कहा कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित को अमर ही तो करना है, तो परीक्षित जी को ये अमृत पिला दीजिए और हमको श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत पिला दीजिए, हमको कथा अमृत पिला दीजिए और परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, तुम देवताओं के मन में स्वार्थ है, तुम स्वार्थ में लेन देन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये कथा नहीं है। परीक्षित निस्वार्थ भाव से बैठे हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, इसलिए ये कथा अमृत परीक्षित महाराज को ही प्राप्त होगा।